नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पठानकोट का मास्टरमाइंड मसूद अजहर एहतियातन हिरासत में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कानून मंत्री राणा सनाउल्लाह ने इस बात की पुष्टि की है कि प्रतिबंधित संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को उसके सहयोगियों के साथ एहतियातन हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। सनाउल्लाह ने कहा कि अगर पठानकोट हमले में उसकी संलिप्तता साबित होती है तो हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्रोग्राम के तहत जेईएम सहित प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। भारत ने 2 जनवरी को पठानकोट में हुए हमले के लिए अजहर की पहचान साजिशकर्ता के तौर पर की है। इसमें उसके भाई रऊफ और 5 अन्य पर हमले में भूमिका निभाने के भी आरोप लगाए हैं, जिसमें 7 भारत सैनिक शहीद हो गए थे और सभी 6 आतंकवादी मारे गए थे। राम माधव बोले, पत्नी को देश की प्रतिष्ठा की बात समझाए आमिर। भाजपा नेता राम माधव ने असहिष्णुता के विषय पर अभिनेता आमिर खान के बयान की निंदा करते हुए कहा कि उन्हें देश की प्रतिष्ठा के बारे में केवल ऑटो रिक्शा चालकों को ही नहीं बल्कि अपनी पत्नी को भी ज्ञान देना चाहिए। आमिर पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता ने कहा कि आप ऑटो वालों को तो बताते हैं कि देश की प्रतिष्ठा कैसे बचाई जाए, लेकिन ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताते, ऐसे से काम नहीं चलेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के खालसा कॉलेज में छात्रों को संबोधित करते हुए माधव ने कहा कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में पुरस्कार वापसी की जरूरत नहीं हो और देश की सीमाओं की सुरक्षा और उसके आत्मसम्मान पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ट्रेन में गोमांस के शक में मुस्लिम दंपत्ति को पीटा। मध्य प्रदेश के खिरकिया रेलवे स्टेशन पर एक मुस्लिम दंपत्ति से गोमांस के संदेह में गोरक्षा समिति के सदस्यों ने जमकर मारपीट की। गोरक्षा समिति में कम से कम 7 सदस्यों ने बीफ होने के संदेह में उनके बैग्स की जांच करने शुरू कर दी और आपत्ति लेने पर उनके साथ मारपीट की। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के अनुसार पुलिस का कहना है कि गोरक्षा समिति के उन लोगों का दावा है कि जब उन्होंने कुशीनगर एक्सप्रेस के जनरल बोगी में उस दंपत्ति के सामान की जांच की तो उसमें उनको बीफ मिला। पीड़ित मोहम्मद हुसैन ने बताया कि वे अपनी पत्नी के साथ हैदराबाद में एक बीमार रिश्तेदार को देखकर हरदा लौट रहे थे, तभी उनके साथ मारपीट की गई। हुसैन ने कहा कि सामान जांच करने पर जब उनकी पत्नी ने आपत्ति जताई तो उन लोगों ने उसे धकेल दिया। पुलिस ने इस मामले में गोरक्षा समिति के 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है।